कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में आज भारत जोड़ो यात्रा शहर के एमएच इंटर कॉलेज से निकाली गई। यह यात्रा पूरे शहर से होते हुए सिटी रेलवे स्टेशन पर जाकर समाप्त हुई। अजय जी, आपके द्वारा लगातार भारत जोड़ो यात्रा चलाया जा रहा है, अब तक क्या रिस्पांस मिला? आप देखिए, हर जगह लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, आम आदमी हो, नौजवान हो, माताएं बहने हो, महिला, सबका समर्थन मिल रहा है। हर व्यक्ति सरकार से परेशान है, हर व्यक्ति सरकार से भयभीत है कि सरकार कब किसके साथ को क्या कर जाएगी, कब किसको केस के ऊपर मुकदमे लगा दिए जाएंगे, कब इसको जेल भेज दिया है, कब जीएसटी व्यापारी, जिस व्यापारी ने जनसंघ से लेकर भाजपा को अपने खून पसीने से सींचा, आज वो व्यापारी जीएसटी को लेकर सरकार उसको चोर कह रही है और प्रतिष्ठानों पे छापे डाल रही है और भाग रहे हैं व्यापारी प्रतिष्ठान छोड़ के। गब्बर सिंह आया, गब्बर सिंह आया, सोले में कह रहे गब्बर सिंह आया, बेटा सो जा भैया, गब्बर सिंह आ रहा है, भगे व्यापारी। ये चारों तरफ भय का माहौल है। इस सब चीजों को दूर करने के लिए जनमानस, आम जनमानस, जी और जीने दो जैसा कांग्रेस का जो नारा था, उस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से आम आदमी इससे जुड़ रहा है। अजय जी, जैसा कि सोनभद्र में आपके द्वारा जो है स्मृति ईरानी पर बयान दिया गया और उसके बाद मुकदमा भी दर्ज हुआ है, उसको लेकर क्या कहेंगे और क्या लगता है? ये भी दबाव की राजनीति है भाई। अगर कोई बात मैंने बोला, आप भी पूर्वांचल के हम लोग हैं, लटक के झटक के बड़ा आजकल बोलत हुआ यार, बड़ा चलत हुआ, ये कौन सा अश्लील शब्द है भाई? आप जरा देख लीजिए, किसी डिक्शनरी में खोल लीजिए, किसी डायरेक्टरी, कोई शब्दकोश खोल दीजिए, आप निकाल के दिखा दे। अब जबरदस्ती किसी के ऊपर आरोप लगाना, और जब हमारे नेता को इन लोगों ने क्या क्या आप शब्द बोले थे, मैं बोल नहीं सकता अपने नेता के बारे में क्या क्या बोला था, वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। और जब ये बार वहां पे चल रहा है गोवा में, उसका जवाब कौन देगा? जो बार वहां चलाया जा रहा है, जो वहां पर रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है, दूसरे के नाम पर चलाया गया, उसमें तो चुपचाप हो गए, उसमें तो कुछ हुआ नहीं, कोई कार्रवाई हुई नहीं। और मैंने छोटी सी बात इस तरह से बोली, और वो केवल इसलिए कि वहां की जनता कह रही है कि भैया यहाँ सारे कल कारखाने लटके हुए हैं, सड़कों पर चले तो झटके लग रहे हैं, तो लटक के झटक के का मतलब यही आया कि सब कल कारखाने जो बंद पड़े हैं, जो काम हो रहे थे उसको भी लटका दिया गया, जो राहुल जी के समय जो है वहां पर कारखाने शुरू किए थे उसको लटका दिया गया, और सड़कों पर चल रहे हैं तो गड्ढा युक्त सड़क है, उसमें झटके लग रहे हैं, लटक के झटक के आ गई बात। ऐसे में मुकदमा दर्ज हो गया, क्या लगता है क्या उत्तर प्रदेश सरकार गिरफ्तारी भी करवा सकती है? अब जो करना हो, गिरफ्तारी करना हो, हमें जेल भेजना हो, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई, मैं तो डट के खड़ा हूँ, अपनी बात पे कायम हूँ, जो बोला हूँ सही बोला हूँ, उसमें पीछे हटने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कोई अश्लील शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, और कहीं किसी की मर्यादा, मैंने अपनी किसी की मर्यादा के खिलाफ या किसी को अपमानित करने के लिए मैंने कोई शब्द नहीं इस्तेमाल किया। ऐसे में अगर बात की जाए राजनीति की, तो ओम प्रकाश राजभर लगातार भाजपा से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन अब देखा जा रहा है कि भाजपा के द्वारा जो है एक नए संगठन का उनके पदाधिकारी